नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। युवा में रोजगार से जुड़े विधेयक पारित होने पर चौटाला हाउस में जयघोष के नारे, एक दूसरे को मिठाइयां खिला करके विधेयक पारित होने का अभिनंदन किया। जेजेपी के पदाधिकारी बोले, चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार कर रही है जेजेपी। पल पल शीर्षक से विशेष रिपोर्ट। राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा विधानसभा में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की 75% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का जो विधेयक पारित करवाया है, उसी खुशी में गूंज उठे पूरे हरियाणा के युवा। इसी कड़ी में आज सिरसा के बरनाला रोड पर स्थित चौटाला हाउस पर हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों के 75% आरक्षण को लेकर के पारित विधेयक को लेकर के जश्न मनाया गया। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के पूरे हर्षोल्लास से हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों द्वारा नियोजन विधेयक 2020 का मिठाइयां वितरित कर इस फैसले का अभिनंदन किया। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। कल का दिन जो था वो विधानसभा का ऐतिहासिक दिन था। इसमें अजीज दुष्यंत चौटाला ने पब्लिक से जो वायदा किया था, इलेक्शन में जो वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करने का काम किया है। उस बिल के पास होने से हरियाणा के लोगों को 75% नौकरी जो है वो सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में और फैक्ट्रियों में भी हमारे बच्चों को नौकरी मिलने का काम किया है, और कंपनियों को बाध्य कर दिया कि वो जब भी रिक्रूटमेंट करेंगे 75% लोग जो हैं वो हरियाणा के निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर उनको नौकरी मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवा आजकल सबसे ज़्यादा परेशान है, जॉब ना मिलने के कारण हतोत्साहित था, और जननायक जनता पार्टी ने ये बहुत बढ़िया काम किया है और प्रदेश के युवाओं में बहुत जोश और बहुत हौसला बुलंद हो गया उनका। मैं तो ये मानता हूँ कि इससे बड़ा फैसला आज तक तो कभी प्रदेश में खास करके युवाओं के लिए ना तो कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का ये एक सपना था। मैं वो दिन कब आए जब ये मेरा सपना ये पूरा हो, और इसलिए कल वाले सत्र में उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया, और युवाओं में भी कल का इतना जोश इतना होश मैंने तो कभी देखा नहीं। युवा सड़कों पे सब हर जगह अपना अपना जश्न मना रहे हैं। जैसे मान के चलो तो 75% आरक्षण में जो युवा सरकारी नौकरियों से रह गए थे वो उनका नंबर इधर अब लग जाएगा। अब मेरे ख्याल में तो कोई भी ऐसा युवा पढ़ा लिखा कोई भी नौकरी के बिना नहीं रहेगा, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएंगे।